ठीक है, क्योंकि पंडित नेहरू को लगा कि अगर मैं एक संस्थापक देश होने के नाते अगर भारत ही संयुक्त राष्ट्र में नहीं जाएगा तो विश्व के बाकी देश क्यों जाएंगे, और ऐसी स्थिति में संयुक्त राष्ट्र क्या विश्व शांति को स्थापित कर पाएगा? नहीं। और इसीलिए पंडित नेहरू पहुंच गए संयुक्त राष्ट्र, राइट। और संयुक्त राष्ट्र ने इस कश्मीर मुद्दे को क्या कर दिया, शीत युद्ध का मुद्दा बना दिया। अब भारत और पाकिस्तान नहीं लड़ रहे कश्मीर पे, लड़ कौन रहा है, अमेरिका और रूस, क्योंकि मुद्दे पे जब भी बात होगी भारत की तरफ से रूस आएगा, पाकिस्तान की तरफ से अमेरिका आएगा, किस्सा खत्म। ठीक है, और ये तो थी बात 1949 की। ठीक है, बाद में जैसे ही पाकिस्तान 1954 में सीएटो में शामिल होता है, सीएटो में पाकिस्तान शामिल हुआ, उसी समय पंडित नेहरू ने कह दिया था 1954 में ही कि अब संयुक्त राष्ट्र के संकल्प का कोई औचित्य नहीं। सीएटो क्या था बेटा, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जैसे नाटो था नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उसी का दक्षिण पूर्वी एशियाई स्वरूप था सीएटो। ठीक है, मतलब पाकिस्तान क्या हो गया, पूंजीवादी गुट में शामिल हो गया। ठीक है, तो तब पंडित नेहरू का वक्तव्य ये था कि अब संयुक्त राष्ट्र के उस संकल्प का कोई औचित्य नहीं रह गया, क्योंकि अब परिस्थितियां बदल गई है। उस समय तक पाकिस्तान और भारत दोनों स्वतंत्र राष्ट्र थे, अब पाकिस्तान पूंजीवादी गुट में शामिल हो गया, तो ऐसी स्थिति में यूएन के संकल्प को माना नहीं जा सकता, राइट। तो ये पंडित नेहरू की पाकिस्तानी नीति थी। बट इस दौरान भी किसी भी तरह के सीमा विवाद को सुलझाने की कोशिश नहीं की गई, या ये कहा जाए कि जो भी विवाद रहे उन सब पर कश्मीर का मुद्दा सबसे ज्यादा भारी पड़ गया। आई बात समझ में, ये था भारत पंडित नेहरू की कश्मीर नीति। डन, लिख लीजिए, पंडित नेहरू के समक्ष तृतीय सबसे महत्वपूर्ण चुनौती के रूप में, तृतीय सबसे महत्वपूर्ण चुनौती के रूप में, चुनौती के रूप में पाकिस्तान के साथ संबंध, पाकिस्तान के साथ संबंध का निर्धारण था, पाकिस्तान के साथ संबंध का निर्धारण था। जम्मू कश्मीर भारत और पाकिस्तान के मध्य, जम्मू कश्मीर भारत और पाकिस्तान के मध्य तनाव का, भारत और पाकिस्तान के मध्य तनाव का प्रथम कारण साबित हुआ एवं इसका परिणाम भारत और पाकिस्तान के मध्य, भारत और पाकिस्तान के मध्य 1948 से लेकर 1949 तक युद्ध रहा। 1948 से लेकर 1949 तक युद्ध रहा। डन, ये सारी चीजें लिख ली है तुम लोगों ने, क्यों नहीं लिखी? ये जो चीजें मैं बोलता जाऊं बेटा उसे भी लिखते जाओ, है ना, लिखवाऊंगा मैं सारी चीजें, नहीं ज्यादा छोटा हो जाएगा।
नाम ही तो गुट निरपेक्षता है बेटा, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, उसका जिससे बोलो बोलो क्लास के बाद बोल देना, ठीक है? घबरा जाते हो तुम लोग। चल फोटो क्लिक कर लो, आगे लिखवाऊंगा फिर मैं, ठीक है? जितना बेटा मैं समझाते चलूं, बोर्ड पे लिखते चलूं, वो कॉपी में लिखते चला करो, ठीक है? फिर उसमें से जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें होगी वो मैं लिखवा दूंगा क्रक्स, ठीक है? इससे हमारा समय बचेगा, अन्यथा सारी चीजें लिखवाऊंगा तो फिर किताब ही बन जाएगी एक आईआर की, फिर मैं तुमसे लेकर पब्लिश करवा दूंगा उसको, ठीक है? आइडिया अच्छा है ना? हाँ चलिए, हाँ हाँ पहली दुनिया पूंजीवादी, दूसरी दुनिया साम्यवादी, और अब जो तीसरा विश्व उदय हो रहा है, जो नया विश्व आ रहा है, वो तो तीसरा ही विश्व कहलाएगा ना बेटा, ठीक है? ये चीज, और तीसरे विश्व को हमने अपने कब्जे में ले लिया गुटनिरपेक्ष के नाम पे, ठीक है? तो हम वो लीडर बन गए गुटनिरपेक्षता के, तीसरा विश्व हमारा, ठीक है? डन। तीसरी चुनौती जो पंडित नेहरू के समय पे देखी गई वो थी हमारा दूसरा पड़ोसी चीन, ठीक है? अब चीन जब भारत आजाद हुआ, ठीक है, तो उस समय चीन में जो सरकार थी वो पूंजीवादी सरकार थी, ठीक है? सो 1947 में चीन में जो सरकार थी वो थी चियांग काई शेक की सरकार थी, ठीक है? ये उस समय की बात है जब भारत आजाद हुआ, ठीक है? बट 2 वर्ष पश्चात ही 1949 में चीन में क्रांति हो गई। कौन सी क्रांति? साम्यवादी क्रांति। और इस क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहे थे? माओ से तुंग। जो 1949 में चीन क्या बन गया बेटा? साम्यवादी देश बन गया, जो अभी तक पूंजीवादी था अब साम्यवादी हो गया। और चियांग काई-शेक जिनकी सरकार थी ये चीन से भागकर पहुंच गए कहां पर? ना ना भारत है? ये पहुंच गए फर्मोसा द्वीप ना, ये पहुंच गए फर्मोसा द्वीप, और यहां पे उन्होंने अपनी सरकार स्थापित कर दी। तो 1949 के बाद विश्व में दो चीन थे, एक माओ का चीन और दूसरा चियांग काई-शेक का चीन, ठीक है? चियांग काई-शेक वाला जो चीन था वो था पूंजीवादी चीन, और माओ वाला चीन साम्यवादी चीन, ठीक है? और इसी फर्मोसा द्वीप को आज तुम किस नाम से जानते हो? ताइवान। अब समझ में आया ताइवान और चीन की लड़ाई क्या है, ठीक है? जब तक ताइवान को चीन अपने कब्जे में नहीं कर लेगा, हमेशा एक चुनौती तो रहेगी ना मन में,
कि वो भी चीन था 1972 तक, ठीक है ये चीज। अब जैसे ही चीन में साम्यवादी क्रांति होगी, विश्व के जितने भी साम्यवादी देश है वो किस चीन को मानेंगे? इस वाले चीन को, उनके लिए चीन ये होगा। और जो पूंजीवादी चीन होगा, पूंजीवादी विश्व होगा, वो किसे मानेंगे? फर्मोसा को चीन मानेंगे, ठीक है। भारत वो पहला देश है जो गुट निरपेक्ष है बट मान रहा है कि ये चीन है। मतलब भारत ने माओ वाले चीन को मान्यता प्रदान की कि बोले हाँ तुम ही चीन हो, तुम्हारे यहां क्रांति हुई है, ठीक है। बट भारत ये मान रहा है कि जो मुख्य चीन है ये वाला, यही चाइना है, यही चीन है। और अगले ही वर्ष भारत ने चीन के साथ अपने राजनयिक संबंध स्थापित कर लिए। मतलब भारत ने अपने दूत चीन में भेज दिए, चीन ने अपने दूत भारत में भेज दिए। इस तरीके से एक राजनयिक संबंधों की स्थापना हो गई भारत और चीन के मध्य। मतलब भारत क्या चाह रहा है? चीन के साथ बेहतर संबंध चाह रहा है, ठीक है। क्योंकि पंडित नेहरू का व्यक्तित्व तो फिर कहेगा कि पड़ोसी के साथ जितने बेहतर संबंध हो उतना बेहतर है, राइट। और इसीलिए हमने चीन के साथ संबंधों को बेहतर बनाने की कोशिश शुरू कर दी, राइट। परिणाम ये निकला कि 1953 में भारत और चीन के मध्य एक समझौता पर हस्ताक्षर हुए, और वो समझौता था व्यापारिक समझौता। और यहां पे हो गई गड़बड़ भारत की तौर से। 1953 में जो भारत और चीन के मध्य व्यापारिक समझौता हुआ, इसमें भारत ने एक शब्द को मान लिया, चीनी तिब्बती क्षेत्र। इस शब्द का मतलब क्या है? इस शब्द का मतलब निकाला जाए तो क्या होगा? तिब्बत किसका क्षेत्र है? चीन का, ठीक है। मतलब आधिकारिक रूप से अप्रत्यक्षतः भारत ने क्या मान लिया कि तिब्बत चीन का हिस्सा है, राइट। और अगले ही वर्ष 1954 में भारत और चीन के मध्य एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत या समझौते पर हस्ताक्षर हुए, जिसे क्या कहा गया? पंचशील समझौता। राइट, आई बात समझ में? लिखो, थोड़ा सी जगह छोड़ देना आधे पेज की, कहानी अभी खत्म सुनानी है ना आगे। लिखो, इतना पेज छोड़ दो। हाँ, पंडित नेहरू वो बहुत ज्यादा हो जाएगा बेटा, आधा पेज ही छोड़ो, ये कम है। पंडित नेहरू का ये मानना था कि पंडित नेहरू का यह मानना था कि भारत के लिए अपने पड़ोसियों से संबंधों को बेहतर बनाए जाने की संबंधों को बेहतर बनाए जाने की आवश्यकता है, बेहतर बनाए जाने की आवश्यकता है। इसी उद्देश्य से चीन की साम्यवादी क्रांति के पश्चात भी इसी उद्देश्य से चीन की साम्यवादी क्रांति के पश्चात भी चीन की साम्यवादी क्रांति के पश्चात भी
भारत द्वारा साम्यवादी चीन को मान्यता प्रदान की गई, मान्यता प्रदान की गई और 1950 में और 1950 में दोनों देशों के मध्य 1950 में दोनों देशों के मध्य राजनयिक संबंधों की 1950 में दोनों देशों के मध्य राजनयिक संबंधों की शुरुआत हुई, शुरुआत हुई। देन दोनों देशों के मध्य वर्ष 1953 में दोनों देशों के मध्य वर्ष 1953 में व्यापारिक समझौते पर हस्ताक्षर हुए, व्यापारिक समझौते पर हस्ताक्षर हुए जिसके अंतर्गत भारत द्वारा यह माना गया कि जिसके अंतर्गत भारत द्वारा यह माना गया कि तिब्बत चीन का हिस्सा है, तिब्बत चीन का हिस्सा है। 1954 में अगली लाइन में लिखेगा, 1954 में चीन के प्रमुख या चीनी प्रमुख जाओ एन लाई जाओ एन लाई भारत आए, जाओ एन लाए भारत आए और दोनों देशों के मध्य पंचशील समझौते पर दोनों देशों के मध्य पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर हुए, दोनों देशों के मध्य पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर हुए। पंचशील के प्रमुख उद्देश्यों के रूप में, पंचशील के प्रमुख उद्देश्यों के रूप में निम्न सिद्धांतों को माना गया, निम्न सिद्धांतों को माना गया। नंबर एक, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए पारस्परिक सम्मान। मतलब भारत चीन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करेगा और चीन भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करेगा। दूसरा, पारस्परिक गैर आक्रमण, ना तो भारत चीन पे हमला करेगा ना ही चीन भारत पर हमला करेगा, ठीक है। नंबर तीन, आंतरिक मामलों में
आंतरिक मामलों में पारस्परिक गैर हस्तक्षेप, आंतरिक मामलों में पारस्परिक गैर हस्तक्षेप। तो भारत चीन के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा और चीन भारत के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। डन। चौथा, समानता और पारस्परिक लाभ, समानता और पारस्परिक लाभ मतलब दोनों देश आपसी संबंधों को समानता के सिद्धांत पर निर्मित करेंगे और इस तरीके से चलाएंगे जिससे पारस्परिक लाभ होगा, दोनों का लाभ होगा। ठीक है। और अंतिम, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। डन। ये हो गए पंचशील के पांच सिद्धांत। राइट। अब पंचशील के सिद्धांत तो भारत द्वारा माने गए, ठीक है, इतनी हद तक माने गए कि पंडित नेहरू उसी वर्ष 1954 में ही चीन की यात्रा पे चले गए। ठीक है। वहां पे व्यापारिक समझौते हुए। 2 वर्ष बाद चीन के राष्ट्रपति भारत आ गए 1956 में। ठीक है। और दोनों देशों के मध्य संबंध बेहतर होना शुरू हो गए। बट इन संबंधों में जो खटास शुरू हुई वो हुई 1959 में। ठीक है। जब चीन द्वारा तिब्बत में आक्रामककारी नीतियों के परिणाम स्वरूप तिब्बत के जो धार्मिक गुरु थे, कौन? दलाई लामा। ठीक है। ये तिब्बत से भागकर अपने अनुयायियों के साथ भारत आ गए और पंडित नेहरू द्वारा इन्हें मानवता के आधार पर शरण दी गई। आई बात समझ में? मतलब दलाई लामा जो तिब्बत के धार्मिक गुरु है, तिब्बत एक स्वायत्त क्षेत्र है, बट चीन द्वारा जब सबसे बड़ा रुकावट समाप्त कर दी गई, क्योंकि चीन के लिए तिब्बत में सबसे बड़ा हित किसी का हो सकता है तो भारत था। ठीक है। और भारत के साथ पंचशील समझौते पे हस्ताक्षर कर दिए गए, पारस्परिक गैर हस्तक्षेप की नीति होगी, पारस्परिक गैर आक्रमण होगी, मतलब भारत की तरफ से चीन निश्चिंत हो गया कि चीन अगर कुछ करता है तिब्बत में तो भारत कुछ नहीं करेगा क्योंकि पंचशील पे हस्ताक्षर है। राइट। तो जब चीन तिब्बत में आक्रामक हो रहा था, तिब्बत में अपनी नीतियों को और ज्यादा कठोरता से लागू करना शुरू कर दिया, तो शुरुआत में तिब्बत विरोध किया, बट अंततः तिब्बत के जो धार्मिक गुरु थे दलाई लामा, वो तिब्बत छोड़ के आ गए कहाँ? भारत। ठीक है। और भारत आने के बाद उन्होंने शरण मांगी, वो पंडित नेहरू द्वारा शरण दे दी गई, अतिथि देवो भव, है ना। तो मानवता के आधार पर भारत द्वारा शरण दी गई दलाई लामा और उनके फॉलोअर्स को। चीन ने इसे भारत द्वारा चीन के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप समझा। ठीक है। और वहां से चीन भारत के खिलाफ आक्रामक नीति अपनाना शुरू कर दिया। ठीक है। अब चीन द्वारा एक नई नीति का अनुसरण किया जाएगा जिसे कहा जाता है पॉलिसी ऑफ फाइव फिंगर्स, पांच उंगलियों की नीति। ठीक है। अभी पांच उंगली कौन कौन सी है अगर तुम मैप पे देखो, ठीक है, तिब्बत, ठीक है, लद्दाख, नेपाल, भूटान, अरुणाचल, 1 2 3 4 5। ठीक है। तो ये पांच क्षेत्र मेरे। ठीक है। सो इस नीति का अब चीन पालन करना शुरू कर दिया। परिणाम ये निकला कि भारत और चीन के मध्य तनाव इस तरीके से बढ़ गया कि 1962 में चीन द्वारा भारत पर
आक्रमण कर दिया गया। तो 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ, जो कि चीन द्वारा एक तरफा युद्ध घोषित किया गया और बाद में अंतर्राष्ट्रीय दबाव में एक तरफा ही युद्ध विराम की घोषणा की गई। ठीक है, तो कुल 1 महीने युद्ध चला होगा, पर इस 1 महीने के युद्ध में चीन ने भारत को बहुत बुरी तरीके से हरा दिया। न केवल हराया, युद्ध के दौरान चीन ने पूरे अरुणाचल पे कब्जा जमा लिया था, ठीक है, साथ ही साथ लद्दाख के क्षेत्रों पे अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था, पूरे लद्दाख पे नहीं बट लद्दाख का जो अक्साई चीन का क्षेत्र है उस पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया, और बाद में जब चीन पीछे हटा तो पूरा का पूरा अरुणाचल लौटा दिया, बट जो अक्साई चीन का क्षेत्र है, ठीक है, ये जो क्षेत्र है, ये जो कोना है इस तरफ वाला, ये चीन ने अपने कब्जे में रख लिया। ठीक है, तो परिणाम क्या हुआ, भारत चीन युद्ध में भारत बुरी तरह से पराजित हुआ। तो कहीं ना कहीं हम क्या देखते हैं, पंडित नेहरू का जो आदर्श है वो भारत के लिए घातक सिद्ध हुआ। ठीक है, कह सकते हैं, बट अगर देखा जाए तो जिस दौरान पंडित नेहरू द्वारा विदेश नीति को लागू किया गया था उस समय भारत की स्थिति इस तरह से बिल्कुल भी नहीं थी कि भारत यथार्थवादी विदेश नीति का अनुसरण कर सके, क्योंकि यथार्थवाद क्या कहता है कि प्रत्येक पड़ोसी तुम्हारा दुश्मन है और तुम्हें हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहना पड़ेगा। वो देश जो अभी अभी आजाद हुआ है, ठीक है, क्या युद्ध के लिए तैयार हो सकता है? नहीं। और अगर ऐसे में वो युद्ध के लिए तैयार होता है तो जो बाकी देश है क्या वो अधिक शक्तिशाली साबित नहीं होंगे? होंगे। तो इस स्थिति में भारत के लिए एक ऐसी विदेश नीति का निर्माण बहुत ज्यादा आवश्यक था जो भारत को एक सुरक्षा प्रदान करे शुरुआती दौर में, और वो विदेश नीति आदर्शात्मक विदेश नीति ही हो सकती है जो मानवता पर आधारित हो, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व पर आधारित हो। ठीक है, तो ये वो कारण थे जिसकी वजह से पंडित नेहरू द्वारा आदर्शात्मक विदेश नीति का अनुसरण किया गया। और कुछ प्रभाव था महात्मा गांधी का भी, जो व्यक्तित्व स्वतंत्रता संग्राम लड़ाई है, ठीक है, उस स्वतंत्रता संग्राम के लड़ने की वजह से, उन स्वतंत्रता संग्राम को लड़ा उन्होंने आदर्शों पर है ना, सत्य और अहिंसा पर लड़ा है, सत्याग्रह पर लड़ा है। ठीक है, तो जब व्यक्ति अपने जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष ही कुछ आदर्शों पे करे तो जब वो शक्ति में आएगा, जब वो सत्ता में आएगा तो वो उन्हीं आदर्शों का पालन करेगा। ठीक है, पंडित नेहरू के द्वारा भी यही हुआ। ठीक है, भारत इतना ज्यादा आदर्शवादी था बेटा कि जब 1945 में संयुक्त राष्ट्र का गठन हुआ तो वीटो पावर भारत को दिया गया था कि आप वीटो पावर रखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाया जा रहा था भारत को विथ वीटो पावर। पंडित नेहरू ने कहा हमें मत दीजिए प्लीज। ठीक है, कर लो गुस्सा पंडित नेहरू पे, उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी बेटा। ठीक है, पंडित नेहरू का जो वजह थी मना करने का वो जायज वजह थी बेटा। 1945 में जब भारत को स्थायी सदस्य बनाया जा रहा था, क्या भारत स्वतंत्र विदेश नीति निर्माण करने में सक्षम था? नहीं, भारत खुद एक गुलाम था। तो पंडित नेहरू द्वारा इसी बात पर मना किया गया कि जो देश अपने लिए विदेश नीति निर्धारित नहीं कर सकता, अपने स्वयं के निर्णय नहीं ले सकता, वह देश विश्व शांति के लिए कैसे काम कर सकता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में तो भारत के लिए स्थायी सदस्य होना वो जिम्मेदारी है जिसे भारत उठा ही नहीं सकता। इसीलिए आप इस सदस्यता को, इस स्थायी सदस्यता को वीटो पावर के साथ भारत को ना देते हुए चीन को दे दीजिए। तो भारत के कहने पे वो स्थायी सदस्य चीन बन गया, कहानी खत्म। और अब उसी स्थायी सदस्यता के लिए हम सबसे बोलते जा रहे हैं कि हमें बना दो स्थायी सदस्य प्लीज, है
ना, बोलो बेटा क्या?